चेफ्स, मैं राजीव और राजीव किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे भेलपूरी, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम प्याज लेंगे, एक टमाटर लेंगे और तीन चार हरी मिर्च लेंगे, उसके बाद जलजीरा और काला नमक। जलजीरा की जगह पर आप चाहें तो आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेवई लेंगे, तो मेरे पास सेवई नहीं थी तो मैंने आलू भुजिया हल्दीराम का प्रयोग किया है। थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे और चाट मसाला आपके पास अवेलेबल हो तो चाट मसाला डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाता है हमारे भेलपूरी को। चाट मसाला नहीं था तो हमने जलजीरा से काम चलाया है। फिर इसमें हम नींबू डालेंगे और इमली का पानी, क्योंकि खट्टा से हमारा भेलपूरी और ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। अब बारी आती है इसमें मुरही डालने की। फ्रेंड्स, मुरही को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमारे यहाँ मुरही के नाम से जाना जाता है, बहुत जगह इसे मुरमुरा या मुरमुर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम अच्छे से मिलाएंगे, तो हो गया ना दोस्तों हमारा भेलपूरी तैयार। आप भी बनाएं और अपने परिवार को खिलाएं। दोस्तों, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।